उदास लग रहा है देखो। पता है तू नहीं बैल हे भगवान क्या रोस्ट क्या निविदास मम्मा ने मेरे को रोस्ट किया नंदी का बोल रही हूँ इतना उदास है तेरे को थोड़ी बोल रही हूँ मच्छरों से बचाव के लिए पारिक जी ने पूरे घर में बढ़िया से बेगोन स्प्रे जो है वो छिड़क दिया है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो है संडे व्लॉग, और हम अभी जा रहे हैं बाहर, मंदिर जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम कहीं निकले नहीं थे तो सोचा कि और कुछ नहीं तो कम से कम पास एक मंदिर है वहाँ जाके आए, तो चलिए व्लॉग के साथ हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए। रास्ते में भी मोबाइल में गेम खेलते हुए चल रहे हैं। मोबाइल ठोकर मत खा जाना। तो ये हम पहुंच गए हैं राजराजेश्वरी मंदिर, और यहाँ पर कैमरा बंद करने को कह रहे हैं, कैमरा ले जाने दे नहीं रहे हैं, तो मैं भी पॉज कर रहा हूँ। पहले हम गए थे राजराजेश्वरी मंदिर, वहाँ तो मोबाइल अलाउ नहीं था यूज़ करना, तो वहाँ तो हम आपको दर्शन करा नहीं पाए। पर उसके सामने ही है बारह महादेव, तो अगर महादेव जी का दर्शन हो पाया करा पाए तो आपको ज़रूर करवाते हैं। ये है बाबा का दरबार, बहुत ऊंचा है, आप नहीं कर पाओगे। सूरज, हाँ सूरज बजा दिया, जय हो बाबा। महादेव जी के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब छह महादेव जी आगे हैं इधर। जय हो बाबा। ये बारह महादेव मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और गंगा घाट के किनारे स्थापित है। ये कोन नगर में पड़ता है ये मंदिर, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर के बारह महादेव के दर्शन कर लेते हैं लोग। उसके बाद गंगा के किनारे बेंचेस बनी हुई है, बैठने की बहुत खुली जगह है, तो लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, बैठते हैं, और बाहर यहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, वहाँ पर इवनिंग के टाइम में आकर खा पी लेते हैं अपने परिवार के साथ, बहुत अच्छा समय यहाँ पर बिता कर जाते हैं। और गंगा के किनारे बैठने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, शाम के वक्त ठंडी ठंडी सी हवा आने आती है, और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, क्योंकि गंगा के किनारे लोग ठंडी हवा में आकर बैठना बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये है माँ गंगा, और यहाँ गंगा के आसपास में आप देख सकते हो कितने लोग बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ और अपना समय बिताते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। ऐसा हेजी हेजी आ रहा है, लाइट नहीं है ना पूरा, और मौसम भी तो इसका मतलब तो ड्यू है, एनवायरनमेंट में इसीलिए ऐसा रहा। कितना उदास लग रहा है देखो, पता है तू नहीं बैल हे भगवान क्या रोस्ट क्या निविदास मम्मा ने मेरे को रोस्ट किया नंदी का बोल रही हूँ इतना उदास है तेरे को थोड़ी बोल रही हूँ वाह मेरी मम्मी
कितांस का ये 12वां पुस्का चल रहा है, टोटल 30 रुपीज़। सारे खिलाड़ी मैदान से हट गए हैं, कितांस अभी भी डटा हुआ है। कितांस और कितने खाने हैं? और खाने हैं? चलिए हिसाब बोल दीजिए, दे देते हैं पैसे। हो गया पेमेंट? कितने का खाए हम लोग? कितने का खाए हम सब मिलके? हिंदुस्तानी कुल्फी, हिंदुस्तानी कुल्फी दूसरा ले चम्मच। हिंदुस्तान है क्या? नहीं नहीं हिंदुस्तानी है, देखिए लिखा हुआ है। हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान। एक हिंदुस्तानी, TANI, हिंदुस्तानी कुल्फी। How is it? Good? कैसे? अच्छा। खोलने के पहले बता दे, तब तो मैं फिर हिंदुस्तानी। How's yours? Not good. It's made of Hershey's. It's like a, we have frozen Hershey's in deep freezer. It's like नहीं भैया मेरे को orange stick दे दीजिए, वही अच्छा है। यार मैं गलती किया। ये वाला खाइए। ये अच्छा होगा? ये भी तो कभी कभी। काजू। बढ़िया होगा तो। ठीक है दीजिए। अपने तस्कर तरकस के सारे अस्त्र निकाल दिए इन्होंने। ये ठीक है, मेरे को मत टच कराओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आप भी चेंज करना है तो वो ले लो, ये नहीं भारत, इसको खा लो फिर वो ले लेना। देखो हितांश को टेस्ट कराओ अपना वाला एक बार, तुम खा। कुल्फी कैसी है हितांश? लो टेस्ट करके देखो। अच्छी नहीं है? कैसी है? इससे बेटर। देखो आइसक्रीम बेचने का काम मिले तो खुद बैठ के खाते रहेगा। ठंडा गिरा नहीं है, ठंडा गिरने से और मजा आया इसका। हमको तो दिखा ही नहीं देगा, सब पूरा टोपी टोपी स्वेटर मफलर। तेरा तेरी वाली कैसी है? मैं वाली मेरे को पता है, इंडीड मेरे को इस फेस का ऑरेंज स्टिक लेनी चाहिए, ऑरेंज स्टिक अच्छी थी। अच्छा लगा। दिस इज सो। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस घर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।